चिल्ड्रन चिल्ड्रेन वी वर डूइंग यूनिट नाइनटीन आर्टिकल्स आई हैव गि पेज सेमवर्क राइट आई होप आर्टिकल्स इज वेरी क्लियर टू यूर पीपल वॉट आर आर्टिकल्स ए एंड दर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं एन अ आता है कॉन्सनेंट साउंड के पहले एन आता है वाल साउंड के पहले द आपका स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज होता है रिवर्स के पहले ओशन सीज फेमस बिल्डिंग और रिलीजियस बुक्स न्यूज पेपर माउंटेन रेंजेस

आपको द के लिए सोचना ही नहीं ये है ये अ और एन की एक्सरसाइज है सो अगर कॉन्सनेंट साउंड है तो अ आ जाएगा वाल साउंड है तो एन आ जाएगा पैरासॉल प आएगा अम्ब्रेला अ एन नंबर टू मुस्कान हैज डैश पेट डॉग सो अ पेट डॉग गूगल डॉग का नाम क्या है गूगल शी बॉट डैश एग 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 में ए की साउंड है Yani, sound so she bought an egg and made dash omelette oh. so an omelette for the dog okay number three i brought dash pair of socks pair pe, pe. so what is the sound Pe so jo pe have a consonant sound here is uh, a I, I brought a pair of socks and dash black coat b b black coat b sound a b that is consonant sound is a black coat number 4 he saw dash one eyed man sound kya hai, hai, sound hai w इसलिए a आएगा ठीक है o आपका वाल है पर sound आ रही है व की व इसलिए अ आएगा ही सॉ अ वन आइड मैन सेलिंग हैंडीक्राफ्ट आइटम्स टू डैश अमेरिकन टूरिस्ट ए ए साउंड में क्या आता है एन एन अमेरिकन टूरिस्ट नंबर फाइव डैश एलिगेंट वुमेन इज सिटिंग ओवर देयर ए एलिगेंट मतलब कौन सी साउंड आ रही है इनिशियली ए सो एलिगेंट के पहले एन आएगा एन एलिगेंट वुमेन इज सिटिंग ओवर देयर नंबर सिक्स शी इज डैश आर्मी ऑफिसर एन शी इज एन आर्मी ऑफिसर हर सिस्टर इज डैश एस्ट्रोनॉट, ए साउंड ए तो वाल साउंड है इसमें भी एन आएगा बच्चे नंबर सेवन डैश यूनिकॉर्न अब मैंने आपको यू का रूल क्लियरली बताया था अगर आप यू बोल रहे हैं तो यू में यू की साउंड जो है अगर अ की साउंड निकलती है यू वर्ड की तब तो उसमें एन आता है अगर यू ही बोल रहे हैं तब उसमें अ आता है ओके okay, जैसे यूजफुल यूनिकॉन यूनिफॉर्म इन सब के आगे अ आता है यूरोपियन इन सब के आगे अ ही आएगा यूरोपियन ई से शुरू है पर उसमें एरोपियन नहीं है यूरोपियन तो यू इसलिए उसमें क्या आएगा आ, आ यूरोपियन होता है सो so, इसी तरह यूनिकॉर्न के पहले आप क्या लिखोगे अ अ यूनिकॉर्न इज डैश इमेजिनेरी क्रिएटर इमेजिनरी में साउंड किसकी आ रही है इ सो एन इमेजिनरी क्रिएटर नंबर एट श्रेक वॉज डैश ऑग्रे अ की साउंड है इसलिए एन आएगा श्रेक वॉज एन ऑग्रे बट ही हैड डैश काइंड नेचर क साउंड किसकी है क कॉन्सनेंट so, साउंड है इसलिए उसके आगे अ आएगा अ काइंड नेचर नंबर नाइन आई नीड डैश ब्लू स्केच पेन ब किसकी साउंड है ब इसलिए आगे अ लिखोगे आप आई नीड अ ब्लू स्केच पेन प्लीज गिव मी ऑर्स नंबर टेन फ्रेंच इज एन डैश इजी लैंग्वेज ई ईजी ई साउंड किसके ई सो वाल साउंड है इसलिए एन आएगा ओके फ्रेंच इज एन ईजी Language. Fine. बच्चों ने द का रूल आपको बताया है पर फिर भी एक बार और रीड करते हैं दोबारा मेंशन करते हैं तो हम द यूज करते हैं एग्जाम्पल हीज अ पैरट द पैरट कैन सिंग भजन पहली बार जब आया तो पैरट के आगे अ आया सेकेंड टाइम द आया आई एट एन एपल द एपल वॉज फ्रेंडी ओके सेकेंड रूल वी यूज द बिफोर डेफिनेट पर्सन और थिंग जो फिक्स पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं हमें पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तब उसके आगे द आता है एग्जाम्पल लुक एट द बोर्ड ब्रिंग मी द यूनिफॉर्म फ्रॉम द कबर्ड कि बोर्ड पे देखो तो आपको बताओगे ना किस बोर्ड पे देखो ऐसा तो नहीं कि किसी भी बोर्ड पे देख लो लुक एट द बोर्ड इसी बोर्ड पे देखने को बोलोगे ना बच्चों को एक स्पेसिफिक फिक्स बोर्ड के लिए बात कर रहे हो आप ब्रिंग मी द यूनिफॉर्म फ्रॉम द कबर्ड मेरे कब द, में से यूनिफॉर्म लाओ तो यूनिफॉर्म तो फिक्स है ना ये तो थोड़ी थोड़ी की अलग अलग है तो आपको पता है कि आपकी यूनिफॉर्म लानी है और से कोई और कपड़े नहीं लाने नेक्स्ट वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स सीज ओशन माउंटेन रेंजेस होली बुक्स फेमस बिल्डिंग्स हेवनली बॉडीज सुपरलेटिव डिग्रीज एक्सेट्रा ठीक है एग्जाम्पल है इनके द नाइल फ्लोज थ्रू इजिप्ट द नाइल रिवर का नाम है इसलिए द नाइल द सहारा इज अ डेजर्ट डेजर्ट का नाम है इसलिए द सहारा द स्टैचू ऑफ लिबर्टीज इन न्यूयॉर्क स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनिक है एक ही है इसलिए द द अर्थ इज अ planet ये हेवनली बॉडी है इसलिए इसके आगे द ही इज द tallest बॉय इन our क्लास tallest superlative सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए उसके पहले children मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर थ्री फिन द blanks विद ए एंड द अब द भी आ गया सो बी केयरफुल I have number one. I have bought dash new pair of jeans. I have bought a new pair of jeans. मैं एक एक pair of jeans खरीदी है ना new a so, uh, a new pair of jeans. क्योंकि आप count कर सकते हो pair of jeans को countable है और singular है इसलिए a. Uh. Have you worn dash pair of jeans that I brought for you? जो मैं तुम्हारे लिए jeans लेके आई थी क्या वो jeans पहनते हो अभी specific jeans हो गई कि जो मैं तुम्हारे लिए ले लेके आई थी क्या वो पहनी तुमने तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा द आपको पता है कि आप किस जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं यू नो टॉकिंग अबाउट दी स्पेसिफिक जीन्स जो खरीद के लाई थी मैं वो वाली नंबर थ्री आई हैव टू मेक अ फोन कॉल मुझे एक फोन कॉल करना है द फोन कॉल नहीं होता एक फोन कॉल करना होता है मुझे किसी को फ़ोन कॉल करना होता है एक कॉल करना है सो दैट इज़ अ फोन कॉल नंबर फोर गिव मी द फोन अब जिससे मांग रहे हो आप उसी का फोन मांग रहे हो ना किसी और का फोन तो मांग नहीं रहे आपको पता है आप किसका फोन मांग रहे हो वही स्पेसिफिक फोन है डेफिनेट फोन है तो गिव मी द फोन तब द आएगा नंबर फाइव देयर इज डैश न्यू स्टूडेंट इन माई क्लास मेरी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट है सो अ न्यू स्टूडेंट ठीक है क्योंकि अकाउंटेबल है आप स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं और एक न्यू स्टूडेंट है सो वाल साउंड नहीं है ये कॉन्सनेंट साउंड है इसलिए अ आ गया राइट प्लीज स्विच ऑफ डैश फैन अब आप किसी को फैन बंद करने के लिए बोल रहे हो तो आप किसी स्पेसिफिक फैन के लिए बोल रहे हो ना इसलिए इसमें द आएगा प्लीज स्विच ऑफ द फैन नंबर सेवन क्योंकि न्यूज़पेपर का नाम है डैश टाइम्स ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द न्यूज पेपर इसलिए इसके आगे द आएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया इज डैश पॉपुलर न्यूज पेपर ये एक पॉपुलर न्यूज़पेपर है इसलिए यहां आ जाएगा अ पॉपुलर न्यूज पेपर ओके नंबर एट डैश इंजीनियर डिजाइन ब्रिजेस एंड रोड्स अब इंजीनियर अब एक स्पेसिफिक इंजीनियर की तो बात नहीं हो रही ये तो बताया जा रहा है कि सिर्फ जो इंजीनियर होता है वो डिजाइन करता है ब्रिजेस और रोड को सो so, ये पूरे इंजीनियर क्लास की बात हो रही है राइट बट इंजीनियर इज यू नो अ विद साउंड इट स्टार्ट्स विद वाल साउंड इसलिए इसके आगे एन आया एन इंजीनियर डिजाइंस ब्रिजेस एंड रोड्स नाइन, इट इज डैश अनटाइड रूम अब हम स्पेसिफिक रूम के बारे में बात कर रहे हैं और वो अनटाइड है सो गंदा है वो रूम आपको पता है कौन सा रूम गंदा है किस रूम के लिए बोल रहे हैं इसलिए द इट इज द रूम राइट नंबर टेन डैश फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड अ फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड क्योंकि आप कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं राइट right? अ क्योंकि उसको एक क्लास वन की तरह ट्रीट करके बोलते हैं राइट नंबर इलेवन आई रेड अ स्टोरी अबाउट अ यूनिकॉर्न एक स्टोरी पढ़ी अ स्टोरी यूनिकॉर्न के आगे भी अ आता है बिकॉज यू से शुरू होता है सो आई रेड अ स्टोरी अबाउट अ यूनिकॉर्न एन ऑगरे क्योंकि वाल साउंड इसलिए एन ऑगरे एंड अ फेरी बिकॉज कॉन्सडेंट साउंड है फेरी में सो अ फेरी नेक्स्ट कैश स्टोरी वॉज ऑसम अब स्टोरी के बारे में सेकेंड टाइम बात कर रहे हैं सो वेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अगेन तब उसमें क्या आ जाता है द

शी पोस्टेड ऑन द फेसबुक फेसबुक एक सोशल प्लेटफॉर्म है वो वन है ऐसे नहीं दस फेसबुक सोशल प्लेटफॉर्म नहीं चलते फेसबुक एक ही है सो so, आपने नाम दिया इसलिए शी पोस्टेड ऑन द फेसबुक अब सेकेंड टाइम आप फिर जब पोएम की बात कर रहे हो पहले जब पहली बार पोएम की बात की तो अया सेकेंड टाइम जब फिर से पोएम यूज हुई तब आप उसके आगे क्या आएगा दोएम गॉट हंड्रेड ऑफ लाइक्स ओके नंबर फोरटीन हु इज डैश मोस्ट फेमस लीडर मोस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई उसके पहले क्या आएगा द सो हु इज द मोस्ट फेमस लीडर इन डैश वर्ल्ड वर्ल्ड एक ही है सो इन द वर्ल्ड नंबर फिफ्टीन हर्ष इज डैश हेड बॉय ऑफ हर स्कूल सो हेड बॉय तो एक ही होता है ना स्कूल का सो so, जो चीज़ एक होती है स्पेसिफिक वैसे भी है वो और कोई नहीं है वो है क्या है वो हेड बॉय है सो हर्ष इज हेड बॉय ऑफ आर स्कूल नंबर आई हैव नेवर सीन एलियन मैंने कभी भी एलियन को नहीं देखा है तो आप एक काउंटेबल ना होने कैन काउंट एलियंस अगर आपके सामने खड़े हैं और आप एक एलियन की बात कर रहे हैं कि आपने एक एलियन को कभी नहीं देखा सो एन एलियन हैव नेवर सीन एन एलियन एन इसलिए आया क्योंकि वाल साउंड है राइट right? ओके okay, चिल्ड्रन नेक्स्ट ये आपको देखो एक रूल्स दिए हैं दैट वी जनरली डोंट यूज़ द विथ प्रॉपर नाउन ज़्यादातर हम प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगाते जैसे कोई नाम है इसमें लिखा है जैसे सिटी का नाम है कोई स्टेट स्टेट द डेली द कपिल देव ये रॉन्ग है डेली इंडिया कपिल देव निशा इन सब के आगे द नहीं लगेगा बच्चे वी जनरली डोंट यूज द विद अनकाउंटेबल नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ भी हम द नहीं लगाते जैसे द वॉटर नहीं बोलते वॉटर इज अ नेचुरल रिसोर्स द वॉटर नहीं बोला जाता बच्चे बिकॉज यू के नॉट काउंट वॉटर द गोल्ड नहीं गोल्ड इज अ प्रिशियस मेटल द गोल्ड इज अ प्रिशियस मेटल इज रॉन्ग गोल्ड इज अ प्रिशियस बिकॉज यू के नॉट काउंट गोल्ड सो वी यूज द विदेम इन स्पेशल केसेस कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें आप द यूज करते हैं ठीक है अनकाउंटेबल नाउन्स अगर आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ द यूजली नहीं यूज़ करते बट कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें द यूज करते हैं जैसे कि अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें सो नेम ऑफ द बिल्डिंग जो फेमस मॉन्यूमेंट्स है फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके आगे आप द यूज करते हैं ना जबकि है तो वो भी प्रॉपर नाउन फिर भी बुक का नाम रिलीजियस बुक्स प्रॉपर नाउन है रिवर का नाम प्रॉपर नाउन है फिर भी उसके आगे द यूज होता है तो कुछ केसेस में आप द लगाते हैं कुछ में नहीं लगाते हैं ज्यादातर हम द नहीं लगाते हैं ओके सो so इसके बारे में आप जब क्लास फाइव में जाओगे तो और डिटेल में आप पढ़ोगे नाउ एक्सरसाइज फोर फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द से आपको द ब्लैंक्स करने हैं पुट क्रॉस वेयर आर्टिकल्स आर नॉट रिक्वायर्ड जहाँ आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप क्रॉस लगाइएगा बेटा ये एक्सरसाइज होमवर्क है आपको पेज सेवेंटी एट के आंसर्स तो दिख रहे हैं आई विल नॉट शो यू पेज सेवेंटी नाइन वर्क सो ये आपका होमवर्क है वी विल डिस्कस इट आफ्टर वर्ड्स सो जहाँ आपको वाल साउंड का ध्यान रखना है कॉन्सोनेंट साउंड का ध्यान रखना है ये ध्यान रखना है कि जहाँ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात हो रही है वहाँ पे द आएगा और कई ऐसी जगह भी होगी जहाँ पे कोई वाल नहीं कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा ना व न एन न अ न, न द कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ होगा सो so, वहाँ पे आप क्रॉस लगा दोगे राइट पहला एग्जाम्पल देख लो आप फर्स्ट टू एग्ज़ाम्पल्स में ही क्रॉस लगा हुआ है आई लिव इन डैश इंडिया सो इंडिया के आगे द भी नहीं आएगा अ भी नहीं आएगा एन भी नहीं आएगा तो वहाँ क्रॉस आई लिव इन इंडिया इट इज़ द करेक्ट सेंटेंस सो क्रॉस वहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा जहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है वहाँ आपको क्रॉस लगाना है okay so do this exercise complete question number four it's your homework okay rest do this work also do exercise three in your book as classwork exercise four you have to complete as homework i'll give you more homework i'll let you know during the class i'll tell you what else you have to do

रिलीजियस बुक्स इन सब के साथ भी यूज़ होता है सुपरलेटि डिग्री के साथ भी यूज़ होता है फाइन ओके चिल्ड्रेन गो थ्रू द टॉपिक वंस अगेन अगर आपको कोई डाउट है आप क्लियर कर सकते हो प्लीज़ क्लैरिफाई योर डाउट्स डू योर वर्क थैंक यू चिल्ड्रेन हैवे नाइस डे